सेवन सीज की बात करेंगे, इनके भी चारों के चारों खिलाड़ी जीवित है। एंड एक अच्छा एंगल, ये लोग भी एक अच्छा मतलब एक अच्छा एंगल कैसे बोले कि एक बढ़िया एंगल यहाँ पे बना चुका है। दो अलग अलग एंगल जहाँ से ये अभी के लिए होल्ड कर रहे हैं। ये इस अस्त्रा एकेडमी ओके आरसीडी के भी खिलाड़ी यहाँ पे आपको फाइट्स के अंदर आते हुए नजर आएंगे। डेफिनेटली यहाँ पे काफी देर बाद फाइट्स के अंदर आ रहा है। एनटीएस की बात करेंगे, रूडोल्फ समहाउ मैनेजेस टू एंटर द जोन। ज़ियूस के खिलाड़ी अभी भी आपको मौजूद नजर आएंगे। ज़ॉयल एंड गॉडलेस आउट देयर। सेवन सीज के फियर रवि के लिए। आरसीडी के हैंडबुश को करेंगे डाउन एंड हैंडबुश के ऊपर चलते हैं। उससे पहले इगर के ऊपर चलेंगे। इगर एंड शॉ ये दोनों खिलाड़ी अभी के लिए आरसीडी के तरफ से जीवित रहेंगे। इनको अपना प्लेयर को यहाँ पे रिवाइव देना पड़ेगा जो कि मुश्किल होने वाला है। एंड बाकी खिलाड़ी मुझे नजर नहीं आ रहा है थ्री डी के कहाँ पे है वो रहा ऐसे ऐसे पीछे पीछे छुप के खेल रहे मतलब पीछे अभी होल्ड कर रहे। एंड गाइस मोर 10 सब्सक्राइबर लेफ्ट अप फॉर 4K सब्सक्राइबर्स। तो जिस लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया है लाइक कर देना, सब्सक्राइब नहीं भी किया है तो सब्सक्राइब कर देना। वाह भैया ये क्या हो रहा है, ये क्या चीज़ हुआ, ये कैसा ही नेट हो गया भाई। DRS गेमिंग के गैल्सन गोज डाउन। यहाँ पे ज़ियूस वन साइडेड गेम खेल रहा है। ज़ियूस यहाँ पे सारे टीम्स को डैमेज प्रोवाइड कर रहा है। एक अच्छे किल अमाउंट यहाँ पे ऑलरेडी अपने खाते में ले चुके हैं। एंड साथ ही साथ यहाँ पे रुकने का अभी भी नाम नहीं ले रहे, बोल रहे कि हम रुकेंगे ही नहीं। A1 एखनो आछे जी नहीं, आई थिंक A1 का वहाँ पे एलिमिनेशन हो चुका है। जी उसके गॉडलेस यहाँ पे आ चुका है। ज़ॉयल वहाँ पे अभी के लिए FPP के ऊपर स्विच करेंगे। गॉडलेस के हेल्थ की बात करेंगे, काफ़ी कम हेल्थ पे अभी के लिए रहने वाला है। 1952 स्पोर्ट्स की तरफ से मैग्नेट एंड तौफिक ये दोनों खिलाड़ी अभी के लिए सर्कल के अंदर एक अच्छा जगह बना चुके हैं। ओपी जोन राइट नाउ, क्योंकि छठा सर्किल यहाँ पे क्लोजिंग हो रहा है। सर्किल यहाँ पे पूरा ओपन में बनेगा। सेवन सीज डेफिनेटली हैव अ गुड एडवांटेज इनसाइड द सर्किल बिकॉज दे आर फोकस्ड लेस इन दिस मैच। यहाँ पे R3D के खिलाड़ी अपने व्हीकल के साथ रोटेशन डाल चुके हैं। आर यहाँ पे DRS गेमिंग के माफिया निंजा गोज डाउन। यहाँ पे गैल्सन बचे रहेंगे, ज़ियूस उनके सामने है। 1v2 का यहाँ पे सिचुएशन है, मुश्किल जरूर होने वाला है। 6 टीम 14 प्लेयर्स यहाँ पे जीवित रहेंगे। गैल्सन की बात करेंगे, यहाँ पे डेफिनेटली उनके पास एक मौका रहेगा जहाँ पे वो रिवाइव दे सकता है। एक और यहाँ पे सेवन सीज के खिलाड़ी को दिक्कत देंगे। दोनों खिलाड़ी को अभी के लिए डाउन किया जाएगा। पीछे से यहाँ पे टीम R3D के शॉ आएंगे। व्हीकल के साथ यहाँ पे पुश किया जाएगा। मेमो को स्पॉट किया जा चुका है। टोरेटा गोज डाउन। यहाँ पे सेवन सीज के जो बाकी खिलाड़ी रहेंगे टूरू लव एंड पीछे रहेंगे अभी के लिए फियर। अब पीछे से इनको धप्पा दिया जाएगा, एलिमिनेट किया जाएगा। बट स्टिल सेवन सीज के जो बाकी दो खिलाड़ी है दे आर स्टिल सर्वाइविंग इस मैच। एक अच्छा लक यहाँ पे सेवन सीज को प्रोवाइड किया जा रहा है इस मैच के अंदर। ज़ियूस ज़ॉयल अभी के लिए NTS के रूडोल्फ को करेंगे डाउन। NDC के साथ उनका भी सफाया हो जाएगा। 5 टीम 12 खिलाड़ी आपको जीवित नजर आएंगे। DRS गेमिंग के खिलाड़ी अभी भी जीवित है। एंड सेवन सीज की बात करेंगे, यहाँ पे तीनों खिलाड़ी डाउन हो चुके हैं। फियर अकेला प्लेयर बच जाएंगे एंड फियर को भी यहाँ पे एलिमिनेट किया जाएगा। R3D यहाँ पे लेकर जाएंगे पूरा सेवन सीज के टीम को। एंड इसी के साथ R3D के खाते में आ जाएंगे टोटल 5 किल। इधर एंड एनबुश वहाँ पे बचे रहेंगे। ज़ॉयल के ऊपर शॉट्स लिया जाएगा, अभी के लिए मिस कनेक्शन रहेगा। ही माइट बी गोज डाउन। शॉट्स इनके ऊपर भी आएंगे बट अभी के लिए डाउन नहीं देखने को मिलेगा। DRS गेमिंग के माफिया निंजा फाइनली यहाँ पे गॉडलेस को करेंगे डाउन। ज़ॉयल भी वहाँ पे स्पॉट हो चुके हैं। काफी ज्यादा ओपन ऑफ गार्ड एंगल में ज़ियूस को पकड़ा जाएगा एंड इसी के साथ ज़ियूस का भी हमें एलिमिनेशन देखने को मिलेगा। ज़ियूस यहाँ पे एलिमिनेट हो चुका है। 3 टीम यहाँ पे आपको ग्राउंड लेवल के अंदर जीवित नजर आएंगे। 1952 स्पोर्ट्स के तौफिक मैग्नेट, DRS गेमिंग के गैल्सन माफिया निंजा एंड R3D के तरह से एगर एंड एनबुश। 2v2v2 का फाइट है। 2v2 का ये फाइट रहेगा। एनबुश यहाँ पे डेफिनेटली अभी के लिए डैमेज जरूर प्रोवाइड कर सकते हैं। नीट इगर यहाँ पे करते हैं तो DRS गेमिंग के खिलाड़ी डाउन हो सकते हैं। अभी के लिए नेट जाएगा, जंप नेट, हाई टॉस नेट यहाँ पे करेंगे बट वो नेट एक अच्छे एंगल के ऊपर अच्छे पोजिशन के ऊपर फटेगा बट अभी के लिए नो एज सच मच डैमेज विद दैट नेट। DRS गेमिंग ओपी इन द चैट, R3D ओपी इन द चैट एंड टीम 1952 स्पोर्ट्स ओपी इन द चैट। 1952 स्पोर्ट्स करेंटली होल्डिंग दिस डीप राइट नाउ। यहाँ पे एक अच्छा एंगल उनके पास है अभी के लिए। मैग्नेट जोन के बाहर है, 30 मीटर जोन के अंदर जाना पड़ेगा। R3D की बात करेंगे, दे हैव अ गुड एडवांटेज, दे आर इनसाइड द जोन। एंड यहाँ पे DRS गेमिंग की भी बात करेंगे, इनको भी जोन के अंदर जाना पड़ेगा। R3D इज लुकिंग फॉर द मैच राइट नाउ, क्योंकि उनके पास जोन है। दोनों खिलाड़ी अगर अलग अलग तरफ यहाँ पे विजन रखते हैं तो यहाँ पे डेफिनेटली एलिमिनेशन होगा ही ओपोनेंट टीम का। एंड यहाँ पे फाइनली चिकन डिनर भी लेकर जा सकते हैं। अभी के लिए ग्रेनेड्स किया जा रहा है 1952 स्पोर्ट्स की तरफ से बट दैट ग्रेनेड्स विल नॉट गिव एनी काइंड ऑफ डैमेज बिकॉज वहाँ पे कोई भी प्लेयर्स अभी के लिए मौजूद नहीं रहेगा। दो स्मोक वहाँ पे ब्लाइंड करने के लिए किया गया था, जहाँ पे यहाँ पे ब्लाइंड नेट करेंगे अपना यूटिलिटीज का यहाँ पे गलत इस्तेमाल किया जाएगा। 8वां सर्किल यहाँ पे क्लोजिंग होने वाला है। एंड गाइस
2v2v2 का सिचुएशन है, तो क्या लगता है गाइस कौन से खिलाड़ी यहाँ पे लेकर जाएगा चिकन डिनर, यानी कि कौन से टीम यहाँ पे लेकर जा सकता है। अभी के लिए इगर की बात करेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे M4 एंड माइक्रो उजी का इस्तेमाल करते हुए नजर आएंगे। बैकपैक वहाँ के पे फेंक चुके हैं 1952 स्पोर्ट्स के, तौफिक अभी के लिए डाउन हो जाएंगे। कैल्सन वहाँ पे शॉर्ट्स ले रहे हैं, बट अभी के लिए मैग्नेट जीवित रह जाएंगे। मैग्नेट के पास अभी के चलते आई थिंक टू फर्स्ट एड ही हैव सो ऑन हिज हैंड एंड यहाँ पे कैल्सन को डाउन किया जाएगा। मैग्नेट यहाँ पे अपना किल सिक्योर करने के चक्कर में आई थिंक ही विल बी एलिमिनेटेड आउटसाइड ऑफ द जोन। R3D के लिए एक इजी मैच यहाँ पे निकल के आएगा, जहाँ पे एक 1v2 का सिचुएशन रहेगा। माफिया निंजा यू हैव टू क्लच वंस अगेन, माफिया निंजा को यहाँ पे फिर से और एक बार क्लच करना पड़ सकता है। एंड यहाँ पे अगर माफिया निंजा क्लच कर जाता है तो नेपाल की ये टीम DRS गेमिंग अभी के लिए जीत जाएंगे। अनबुश की बात करेंगे, R3D अनबुश आई थिंक ही समहाउ मैनेज टू सी द एडीएस राइट नाउ। 1v2 का यहाँ पे सिचुएशन रहेगा, माफिया निंजा यहाँ पे धीरे धीरे जा रहे हैं। एनबुश विल बी स्पॉटेड आउट देयर, किसी भी टाइम उनके ऊपर शॉट आएगा। जी हाँ, अभी के लिए शॉट आएगा, ही गोज डाउन यहाँ पे। एगर बचे रहेंगे, एगर का यहाँ पे एडीएस फायर रहेगा एंड इसी के साथ R3D विल गेट दिस चिकन डिनर फ्रॉम दिस मैच। चल 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 भाई, अबे पीछे लेटा हुआ शो नहीं ना यार, दोनों थे इतना वेट क्यों करते हैं। जाओ 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 चल फिर, ये बेंच इस दरख्त पे यार नो बैठे हुए थे तो मार दिए। 1v4 रुपी तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। 5000 लौटे दिख जाना चाहिए, ये 4000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ, पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा। ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। लाइक ठोकी दबा के, लाइक ठोकी यहाँ पे देखिए।